हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। आई एम आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है और उसका टाइटल है द जेंडर स्नैपशॉट 2022। अभी ये न्यूज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं कि रिसेंटली द रिपोर्ट टाइटल प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG द जेंडर स्नैपशॉट 2022। ये पूरे रिपोर्ट का नाम क्या है कि प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2022। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UN वुमेन एंड द UN डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। दो संस्था ने साथ में मिलकर ये रिपोर्ट बनाए हैं। कौन सी दो संस्था ने साथ में मिलकर रिपोर्ट बनाया है? UN वुमेन एंड UN डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। और इस रिपोर्ट का नाम क्या है? प्रोग्रेस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स द जेंडर स्नैपशॉट 2022। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं कि भाई ये रिपोर्ट जिसका टाइटल ये है, ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है? और उसके अलावा कि UN वुमेन एंड UN डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा कौन सा रिपोर्ट बनाया जाता है हर साल? द जेंडर स्नैपशॉट 2022, राइट? ओके, अभी ये रिपोर्ट की की फाइंडिंग्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि रिपोर्ट हाईलाइटेड दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 और अचीविंग द जेंडर इक्वालिटी विल नॉट बी मेट बाई 2030 एट द करंट पेस ऑफ द प्रोग्रेस। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने? 17, जो 2015 के अंदर UN के जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक प्लेज लिया गया था कि हम 2030 तक टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे। तो उसमें से गोल नंबर 5, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, वो किसके ऊपर फोकस करता है? अचीविंग जेंडर इक्वलिटी। तो ये गोल नंबर 5 जो UN के मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा क्या प्लेज लिया गया कि हम 2030 तक जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर लेंगे, लेकिन ये रिपोर्ट क्या बोल रहा है कि अगर हम इसी पीस ऑफ प्रोग्रेस के अंदर हम काम करते रहे तो हम 2030 तक ये टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, राइट? बाय द एंड ऑफ 2022 अराउंड 383 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स विल लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसकी इनकम $1.90 से कम हो पर डे की, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर जी रहा है, ऐसा हम बोला जा सकता है, बराबर ना? कंपेयर टू द 368 मिलियन मैन एंड बॉयज। मैन एंड बॉयज़ की अगर बात करें तो वो लोग कितने एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है? 368 मिलियंस। और अगर उनकी कंपेरिजन में अगर वुमेन और गर्ल्स की बात करें तो वो 383 मिलियन वुमेन्स आर इन एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशन, बराबर ना? तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी आपको सीधा सीधा दिख रहा है, राइट? और ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि इट विल टेक क्लोज टू 300 ईयर्स टू अचीव द फुल जेंडर इक्वालिटी एट द करंट रेट ऑफ द प्रोग्रेस। अगर हम इसी रेट के ऊपर प्रोग्रेस करते रहे तो 2030 तक तो क्या हम 300 साल लगेगा हमको कम से कम टू अचीव द फुल जेंडर इक्वालिटी, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 SDG 5 उसके ऊपर फोकस कर रहा है। इट विल ऑल्सो टेक एटलीस्ट 40 ईयर्स टू अचीव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल पार्लियामेंट्स। नेशनल पार्लियामेंट्स मतलब जो पार्लियामेंट्स के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं वहाँ पे नंबर ऑफ मेन और नंबर ऑफ वुमेन इक्वल मात्रा में हो, ऐसा भी अचीव करने में हमको 40 साल लगेंगे, राइट? तो हम 2030 तक तो किसी भी काल में ये गोल हम अचीव नहीं कर सकते, ऐसा ये जेंडर स्नैपशॉट 2022 रिपोर्ट बोल रहा है, राइट? ओके, प्रोग्रेस मस्ट बी 17 टाइम्स फास्टर देन द लास्ट डिकेड्स प्रोग्रेस ऑफ द लास्ट डिकेड टू इरिडिकेट द चाइल्ड मैरिज बाई 2030। अगर हमको चाइल्ड मैरिज को इरिडिकेट करना है 2030 तक, हमको हमने लास्ट डिकेड के अंदर जितना प्रोग्रेस किया था उससे 17 टाइम्स फास्ट करना है अगर वो 2030 तक हमको चाइल्ड मैरिज को इरिडिकेट करना है, राइट? ओके, इन 2021 अबाउट 38% ऑफ द फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स इन वॉर अफेक्टेड एरियाज एक्सपीरियंस अ मॉडरेट और सीवियर फूड इनसिक्योरिटी कंपेयर टू द 20% ऑफ मेल हेडेड हाउस होल्ड्स। अगर हम बात करें कि जो वॉर अफेक्टेड एरिया होते हैं ना, तो उनमें भी ज़्यादा सीवियर, ज़्यादा वल्नरेबल कौन होता है कि जो फीमेल हेडेड हाउस होल्ड्स, कि जिनके परिवार का मेन सदस्य कोई फीमेल होता है, तो वो ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र करते हैं कंपेयर टू द मेल हेडेड हाउस होल्ड्स, राइट?
तो यहाँ पे भी जेंडर इक्वालिटी आपको नज़र आ रही है, जेंडर इनइक्वालिटी, सॉरी। ग्लोबली वुमेन लॉस्ट एन एस्टिमेटेड $800 बिलियन इन इनकम इन 2020 ड्यू टू द पेंडेमिक। पेंडेमिक की वजह से वुमेन की इनकम के अंदर कितना लॉस हुआ है, $800 बिलियन का, राइट। मोर वुमेन एंड गर्ल्स आर नाउ फोर्सिबली डिसप्लेस्ड देन एवर बिफोर। सम 44 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स बाई द एंड ऑफ 2021, 2021 तक 44 मिलियन गर्ल्स को फोर्सिबली डिसप्लेस किया गया है एक जगह से दूसरी जगह पे, मेरा मतलब फोर्सफुली, राइट। ओके, ओवर 1.2 बिलियन वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, जो 15 to 49 ईयर की जो एज होती है ना वुमेन और गर्ल्स की, वो इरिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है। तो 1.2 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज लिव इन द कंट्रीज एंड एरियाज विथ सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सेस टू द सेफ अबॉर्शन। कि जो रिप्रोडक्टिव एज वाली जो वुमेन्स एंड गर्ल्स हैं, बराबर ना, तो उसमें से 1.2 मिलियन वुमेन्स एंड गर्ल्स को रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है कि वो अबॉर्शन नहीं करवा सकती, राइट। वो अपनी इच्छा के अनुसार अबॉर्शन नहीं करवा सकती, ऐसे एरिया के अंदर 1.2 मिलियन वुमेन्स एंड गर्ल्स रहती है, राइट, एज ऑफ नाउ। यहाँ पे मैंने आपको प्रोवाइड किए जो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 5 के ऊपर फोकस कर रहा है ये जो रिपोर्ट है जेंडर स्नैपशॉट 2022, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 किसके ऊपर फोकस करता है, तो क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 किसके ऊपर फोकस करता है, तो सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ के ऊपर। तो ये 17 के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से एरिया के ऊपर फोकस करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है, ठीक है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज, एक डे सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली, इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काइज, राइट। अभी ये न्यूज़ के अंदर क्यों है उसके बारे में बात करते हैं। कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ऑर्गेनाइज किया 3rd इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई एज अ स्वच्छ वायु दिवस, स्वच्छ वायु दिवस, राइट। अगर मैं उसको दूसरी भाषा में बोलूँ तो स्वच्छ वायु नील गगन, राइट। टू रेज द अवेयरनेस एंड फैसिलिटेट द एक्शंस टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। देखो फ्रेंड्स, ये पूरा जो डे है इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सेलिब्रेट करती है, राइट। और ये 3rd इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई सेलिब्रेट किया गया, राइट। और ये दिन को हम स्वच्छ वायु दिवस के नाम से भी जाना जाता है, राइट। एंड ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू रेज द अवेयरनेस एंड फैसिलिटेट द एक्शंस टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट करते हैं हम, राइट। और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। 20 सिटीज़ सिलेक्टेड आउट ऑफ द 131, टोटल 131 सिटीज़ में से 20 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है फॉर इट्स नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैव अटेंड द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, राइट, इन 2021 2022 कंपेयर टू देयर 2017 लेवल्स। अभी देखो ये जो पैराग्राफ है ना, आपको इसके अंदर समझ में नहीं आया होगा, राइट। अभी ये पैराग्राफ आपको अभी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो इस पूरी न्यूज़ को समझने के बाद आपको ये पैराग्राफ समझ में आएगा। देखो फ्रेंड्स, ओके, सबसे पहले हम नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के बारे में बात करें, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में। अभी ये प्रोग्राम के अंडर में हमको नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड अचीव करना होता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में। हर एक सिटी को नेशनल एम्बिएंट, एम्बिएंट का मतलब आसपास की एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव करना है। अब ये स्टैंडर्ड क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल 131 सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया है। ये 131 सिटीज़ को अपने एटमोसफियर में PM2.5, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 और पर्टिकुलेट मैटर 10,
पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10 वो हर साल अपने एटमॉस्फेयर में से उसका लेवल डिक्रीज करना है, ये उनको टारगेट दिया गया है। और कितना डिक्रीज करना है? 20 to 30%, 20% to 30%, बराबर ना? वो हर साल डिक्रीज करना है। 131 सिटीज़ को अपने एटमॉस्फेयर में से पर्टिकुलर मैटर 2.5 और पर्टिकुलर मैटर 10, राइट, उसका जो उसकी जो मात्रा है वो हर साल अपने एटमॉस्फेयर में से बराबर 20 to 30% कम करना है। कंपेयर कौन सा? बेस ईयर कौन सा है? 2017। बेस ईयर कौन सा है? 2017, राइट। तो अभी टोटल 131 सिटीज़ में से 20 सिटीज़ ने नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव किया है। कौन से प्रोग्राम के अंडर में? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में। और सबसे ज़्यादा ये अच्छा परफॉर्मेंस किसके द्वारा दिखाया गया है? वाराणसी के द्वारा। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, वाराणसी का जो पिछले साल जो उसकी मात्रा थी 244, ये 244 ग्राम ऑफ पर्टिकुलर मैटर 2.5 एंड पर्टिकुलर मैटर 10, 244 ग्राम पर एक क्यूबिक मीटर के जो एरिया के अंदर, वॉल्यूम के अंदर। देखो यहाँ पे ये जो वाराणसी का ये जो ग्राफ दिख रहा है ना आपको, वाराणसी का ये 2017 का डेटा है, ये 2021 का डेटा है। 2017 में उसके एटमॉस्फेयर में पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 उसकी मात्रा कितनी थी? 244 ग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। अभी 2021 के अंदर कितनी है? 114 ग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। अभी मुझे बताओ कि 244 का 20% कितना हुआ? 48। और 240 बराबर, मतलब 50 से ज़्यादा ये रिड्यूस हुआ है। ये तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? इनके बीच में डिफरेंस है 120, 130, राइट, बराबर। मतलब ऑलमोस्ट 50%, 60% जितना रिड्यूस हुआ है। टारगेट कितना होना था? 20 to 30% रिड्यूस होना था 2017 से, बराबर ना? तो ये वाराणसी ने नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव कर लिया है और सबसे ज़्यादा अचीव किया है, राइट। तो उसने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में सबसे ज़्यादा नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव करने वाला सिटी कौन सा है? वाराणसी, राइट। तो अभी आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया? अभी मैं आपको वो पैराग्राफ समझाता हूँ। ये पैराग्राफ के अंदर क्या बोल रहा है कि टोटल 131 सिटीज़ का सर्वे किया गया है ना, उसमें से 20 सिटीज़ ने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को अचीव किया है। मतलब 20 to 30% जो रिड्यूस करना था 2017 से, जो PM2.5 और PM2.5 10 की मात्रा, PM2.5 और PM10 की मात्रा तो 20 to 30% रिड्यूस करनी थी, वो 131 सिटीज़ में से कितनी सिटीज़ ने अचीव किया है? 20 सिटीज़ ने। उसमें सबसे ज़्यादा किसने अचीव किया है? सबसे ज़्यादा अचीव किया है वाराणसी के द्वारा। ओके, ये जो दिन सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या रखी गई? तो थीम इज़ द एयर वी शेयर। ये जो दिन सेलिब्रेट किया गया, इंटरनेशनल डे फॉर द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई, उसकी थीम क्या रखी गई? द एयर वी शेयर, राइट। और बराबर, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में टोटल 131 सिटीज़ का एयर क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट का मेजरमेंट किया गया। उसमें से 20 सिटीज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बराबर ना? एंड वाराणसी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वाराणसी के द्वारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया गया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर में, राइट। ओके, बट देखो यहाँ पे 20 सिटीज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, बराबर है? लेकिन 21 सिटीज़ हैव शोन अ डिटेरियोरेशन इन द एयर क्वालिटी ओवर द सेम पीरियड, बराबर ना? तो 27 सिटीज़ ने तो डिटेरियोरेशन दिखाया है। ये 20 सिटीज़ की हम बात करें ना, उन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वैसे तो 95 सिटीज़ ने पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है, लेकिन 21 सिटीज़ ने बराबर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया है, बराबर 2017 के कंपेरिजन में, बराबर ना? उसमें जो कोरबा द डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हाउसेज 10 थर्मल कोल पावर प्लांट्स, बराबर ना? मतलब जो अगर मैं सबसे खराब परफॉर्मेंस की बात करूँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो कोरबा डिस्ट्रिक्ट। स्टेट्स के अंदर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश है सब बिन पूरेस्ट परफॉर्मेंस, मध्य प्रदेश सबसे पूरेस्ट परफॉर्मर रहा है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, राइट। एज अ 6 of the 7 सिटीज फ्रॉम द स्टेट्स रेटेड बाई द सेंटर ऑफ फॉर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैज शोन अ डिटेरियोरेशन इन द एयर क्वालिटी, क्योंकि मध्य प्रदेश में से कैसे 7 सिटीज़ में से टोटल 131 सिटीज़ है, उसमें 7 सिटीज़ मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है, और उसमें से 6 सिटीज से नेगेटिव डिटेरियोरेशन दिखाया है 2017 के कंपेरिजन में, बराबर ना? और हावड़ा एंड दुर्गापुर इन द वेस्ट बंगाल, औरंगाबाद एंड थाने इन द महाराष्ट्र, गया इन द बिहार, राजकोट एंड वडोदरा इन द गुजरात,
भुवनेश्वर, पटियाला एंड जम्मू अमंग द अदर्स हैव ऑल्सो शोन वर्सनिंग ऑफ द एयर क्वालिटी। बराबर ना, ये सब सिटीज़ जो है बराबर ना, उसमें क्वालिटी डिटोरिएट हुई है। टोटल 27 सिटीज़ के अंदर डिटोरिएट हुई है, 20 सिटीज़ ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, और टोटल 95 सिटीज़ के अंदर एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, राइट। 2017 बेस ईयर की बात करूँ तो, राइट। तो ये पूरा इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर द ब्लू स्काई के बारे में आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यूएस स्टार्टअप सेतु के बारे में अभी ये न्यूज़ क्या कह रही है उसके बारे में देखते हैं कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली लॉन्च यूएस स्टार्टअप सेतु, एक प्रोग्राम का नाम है। उसमें भी सेतु का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग द इंटरप्रेन्योर्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योर्स इन द ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग प्रोग्राम। ये अभी लॉन्च किया गया यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर एक्चुअली एक मीटिंग हुई थी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम्स की, APEF की, राइट। ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की एक पहली मीटिंग हुई थी यूएसए के अंदर, और उसी मीटिंग के अंदर हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो पीयूष गोयल हैं वो वहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर गए थे, और उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है यूएस स्टार्टअप सेतु, राइट। सेतु का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ स्टार्टअप्स के बारे में कि व्हाट आर द स्टार्टअप्स। तो टर्म स्टार्टअप रिफर्स टू द कंपनी इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द ऑपरेशन। स्टार्टअप्स आर फाउंडेड बाय द वन और मोर इंटरप्रेनर्स के हु वॉन्ट टू डेवलप अ प्रोडक्ट और सर्विस फॉर विच दे बिलीव देर इज अ डिमांड। दिस कंपनी जनरली स्टार्ट विद द हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड रेवेन्यू, विच इज वाई दे लुक फॉर द कैपिटल फ्रॉम द वेराइटी ऑफ द सोर्सेज सच एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट। देखो स्टार्टअप्स क्या होते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हर एक कंपनी जो नई एस्टैब्लिश होती है उसको स्टार्टअप बोला जाता है। ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। स्टार्टअप नई कंपनी होती है नो डाउट, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए, राइट। और इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नॉर्मली ज़्यादा कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, तो स्टार्टअप्स को शुरुआत के स्टेज के ऊपर ज़्यादा पैसा चाहिए एज अ कैपिटल, राइट। उनकी शुरुआत के स्टेज के अंदर उनके रेवेन्यू कम होता है और इन्वेस्टमेंट उनको ज़्यादा चाहिए होता है, जिसके लिए उनको जॉइंट वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए कि भाई जो उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करे, राइट। तो ये स्टार्टअप्स होते हैं, राइट। तो आपकी जो अभी तक आपके माइंड में एक मिथ स्प्रेड हुआ होगा कि भाई जो भी नई कंपनी जो एस्टेब्लिश होती है पर उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसका प्रोडक्ट भी यूनिक होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसको एस्टेब्लिशमेंट हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसको कुछ एक इनोवेटिव आइडिया उसके माइंड में आया 5 साल के बाद, राइट। तो वो स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो कंपनी 10 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम 10 साल के अंदर आपको वो आइडिया आ जाना चाहिए, राइट। ओके, तो अगर मैं स्टार्टअप की कंप्लीट डेफिनेशन बोलूँ ना फ्रेंड्स, तो ऐसी कंपनी जो 10 साल से पुरानी ना हो, और ऐसी कंपनी जिसका ये कोई भी साल के अंदर जब से वो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है उसका उसका कोई भी साल के अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर ना हुआ हो, राइट। तो वो कंपनी स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकती है, राइट। ओके, अभी मैं स्टार्टअप सेतु की अगर मैं बात करूं तो सेतु का फुल फॉर्म क्या है, सपोर्टिंग द इंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग, इज एन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट हो रहा है स्टार्टअप सेतु। द इनिशिएटिव वुड कनेक्ट द स्टार्टअप्स इन इंडिया टू यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम लीडर्स विथ द मेंटरशिप एंड असिस्टेंस इन द वेरियस एरियाज इंक्लूडिंग द फंडिंग, मार्केट एक्सेस एंड कॉमर्शलाइजेशन, राइट। देखो इंडिया के अंदर ऐसा माना जा रहा है एक रिपोर्ट के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ही लॉन्च किया गया था कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 100 स्टार्टअप्स बनते हैं ना, तो उसमें से 90% स्टार्टअप है ना वो कुछ सालों के बाद बंद हो जाते हैं, बिकॉज लैक ऑफ द अवेयरनेस, लैक ऑफ द कि उनको कैसे उनकी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना है, कैसे उनको कॉमर्शलाइज करना है, वो उनके जो स्टार्टअप्स के जो फाउंडर होते हैं वो उनके अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, राइट। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता, इसके लिए फिर वो स्टार्टअप बंद हो जाता है। तो इसके लिए उनको इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा उनका कोई मेंटर भी हो तो वो उनका जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा सस्टेन बन जाए, तो राइट। तो यहाँ पे जो यूएस के जो इन्वेस्टर्स जो स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टार्टअप्स के अंदर, वो उनको
एज अ मेंटर अगर उनको अप्लाई करना है तो इस स्टार्टअप सेतु के ऊपर वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उनको अगर कोई स्टार्टअप का मेंटर भी बनना है, इन्वेस्ट तो किया ही है, उसके अलावा मेंटर भी बनना है, तो वो स्टार्टअप सेतु एक प्रोग्राम है, उसके अंदर में स्टार्टअप सेतु का नाम का एक पोर्टल है, वो वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है इस स्टार्टअप सेतु का? टू ब्रेक द जियोग्राफिकल बैरियर्स बिटवीन द यूएस मेंटर्स विलिंग टू इन्वेस्ट इन द एंटरप्रेन्योरशिप एंड सनराइज स्टार्टअप इन द इंडिया। तो वो इन्वेस्ट तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा वो मेंटर भी बन सकते हैं इस पोर्टल के द्वारा, स्टार्टअप सेतु पोर्टल के द्वारा, राइट। दिस इंटरेक्शन विल बी सपोर्टेड थ्रू द मेंटरशिप पोर्टल अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और ये पोर्टल का नाम क्या है? मार्ग। ये स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम के अंडर में एक पोर्टल बनाया गया है मार्क, और मार्क का फुल फॉर्म क्या है? द मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंट रेजिलियंस एंड ग्रोथ प्रोग्राम, राइट। ये मार्क प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप मार्क पोर्टल के ऊपर कोई भी इन्वेस्टर अगर मेंटर बनना चाहता है कोई भी स्टार्टअप के लिए, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ओके। इस पोर्टल की ज़रूरत क्यों थी? जैसे मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ स्टार्टअप्स एंड मोर देन हाफ ऑफ द वेल फंडेड स्टार्टअप्स फेल इन देयर अर्ली डेज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग द बिजनेस इज़ अ की इश्यू, राइट। कि जो स्टार्टअप के जो फाउंडर होते हैं उनके एक्सपीरियंस बहुत ही कम होता है, बराबर, कि किस तरीके से बिजनेस को हैंडल किया जाए। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि इंडिया के द्वारा अभी स्टार्टअप सेतु एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, बराबर। इस प्रोग्राम के अंडर में एक पोर्टल बनाया गया है मार्ग, राइट। ये मार्क पोर्टल के ऊपर जो भी मेंटर, वो जो भी इन्वेस्टर जो मेंटर बनना चाहता है कोई भी स्टार्टअप का, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। आपके एग्जाम्पल तो फिर सेतु का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क का फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। ये कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके मिनिस्टर कौन है, राइट। और उसके ये ज़रूरत क्यों खड़ी हुई पर ऐसे पोर्टल को डेवलप करने की, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी। अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के बारे में बात करते हैं कि अभी ये रिसेंट न्यूज़ के अंदर क्यों है। कि रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज़ लॉन्च्ड एक फ्लैगशिप स्कीम ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट, और इस स्कीम का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। वो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है। देखो फ्रेंड्स, अभी तक आपने रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में सुना होगा, और उसमें एक स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आज फॉर एग्जांपल ये सितंबर महीना चल रहा है, फॉर एग्जांपल चलो हम बात कर लेते हैं कि भाई 10 सितंबर है, 10 सितंबर है, और 10 सितंबर 2022 है, राइट। और कोई भी एलिजिबल बेनिफिशियरी ने यहाँ पे अप्लाई किया है मनरेगा के अंडर में जॉब के लिए, राइट। लेकिन अगर उसको 25 सितंबर 2022 तक अगर उसको जॉब नहीं मिलती है इस स्कीम के अंडर में, तो उसको जॉब न मिलने पर भी सैलरी मिलेगी 100 दिन तक की। इसको बोलते हैं गारंटिड एम्प्लॉयमेंट, और यह गारंटिड रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए मनरेगा स्कीम थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट हो रही है। तो उसी की जैसी सेम स्कीम अर्बन एरिया के अंदर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंडर में, जो 100 दिन का गारंटेड इम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है कि अगर जॉब नहीं मिलती फिर भी आपको सैलरी मिलेगा, राइट राइट। अभी स्कीम को लॉन्च करने का एम क्या है? कि टू प्रोवाइड 100 डेज ऑफ द इम्प्लीमेंट टू द फैमिलीज इन द अर्बन एरियाज ऑन द लाइन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया कि रूरल एरिया के ऊपर फोकस करिए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और यहाँ पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बराबर ना। गवर्नमेंट ने राजस्थान गवर्नमेंट ने उसके उसके लिए 800 करोड़ रुपया एलोकेट किया अपने बजट के अंदर, बराबर ना। टारगेट पॉपुलेशन कौन सी है? कि पीपल इन द एज ऑफ द 18 to 60 एज ग्रुप आर एलिजिबल फॉर द स्कीम, राइट। 18 से 60 साल की उम्र वाले सभी लोग यहाँ पे इस स्कीम के अंदर में एलिजिबल रहेंगे। ओके। कौन कौन से एरिया के अंदर, कौन कौन से एरिया के अंदर उनको जॉब मिलेगी? तो वाटर कंजर्वेशन, राइट। तो रिनोवेशन वर्क ऑफ द खाइयों की बावरी कम्स अंडर द वाटर कंजर्वेशन वर्क्स ऑफ द स्कीम, तो वाटर कंजर्वेशन के अंडर में। फिर कन्वर्जेंस, पीपल कैन बी इंप्लॉयड इन द अदर सेंटर और स्टेट लेवल स्कीम्स ऑलरेडी हैविंग अ मटेरियल कंपोनेंट एंड विच रिक्वायर द लेबर वर्क, राइट। तो ऐसा नहीं कि भाई
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये जो मनरेगा के अंडर में जो काम कर रहे हैं बराबर ना, उसको ये स्कीम के अंदर में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर मनरेगा के अंडर में कोई काम नहीं है तो वो इस स्कीम के अंडर में उसको कन्वर्ट किया जाएगा, या तो फिर स्टेट स्टेट लेवल के ऊपर कुछ काम नहीं है तो सेंट्रल लेवल की जो मनरेगा स्कीम है वहाँ पर उनको कन्वर्ट किया जाएगा। उसके अलावा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन राइट, सच एज ट्री प्लांटेशन इन द पब्लिक प्लेसेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द पार्क्स बराबर ना, तो ऐसे ऐसे काम के अंदर भी उनको इम्प्लॉय किया जा सकता है। फिर क्लीनलीनेस एंड द सैनिटेशन रिलेटेड वर्क सच एज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बराबर ना, हेरिटेज कंजर्वेशन, तो ये वाटर कंजर्वेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बराबर ना, फिर सैनिटेशन वर्क के अंदर, तो ऐसे कामों के अंदर यहाँ पे पीपल्स को जो एलिजिबल बेनिफिशियरी है उनको जॉब दी जाएगी 100 डेज की, ये इस अर्बन गारंटी प्रोग्राम स्कीम के अंडर में राइट। ओके सेम इसी तरीके की स्कीम कुछ और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी लॉन्च की गई है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि केरला के द्वारा अयनकाली अर्बन इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ओजीस बराबर ना, अयनकाली अर्बन इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वो कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है, केरला के मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना वो हिमाचल प्रदेश की है, और मुख्यमंत्री श्रमिक योजना वो झारखंड की है। ये तीनों तीन भी मनरेगा की तरह ही 100 दिन की गारंटेड इम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली स्कीम है, लेकिन उसके कौन कौन से स्टेट उसको इम्प्लीमेंट करवा रही है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कि वाई आर द अर्बन इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स इमर्जिंग इन इंडिया बराबर ना, अभी ये स्कीम्स क्यों इमर्ज कर रही है इंडिया के अंदर उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि एब्सेंस ऑफ द गारंटी स्कीम्स, अगर मैं बात करूँ कि सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बराबर ना, जो लॉन्च की गई थी 1997 के अंदर, प्रोवाइड इम्प्लीमेंट टू द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड अर्बन पुअर थ्रू द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड वेज एम्प्लॉयमेंट बराबर ना। इन 2013 द सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना वॉज रिप्लेस बाय द नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन बराबर ना। इंडिया हैज हैड अ हिस्ट्री ऑफ द अर्बन इम्प्लॉयमेंट स्कीम्स बट नन ऑफ देम वेयर इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स बराबर ना। देखो कि इम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स अगर मैं बात करूँ कि जब वो नई थी बराबर, अभी ये एक स्कीम है सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तो जो 1997 के अंदर में जिसको लॉन्च किया गया था बराबर ना, तो इस स्कीम के अंडर में क्या होता था कि भाई जिसको जॉब मिलती है ठीक है बराबर, लेकिन जिसको जॉब नहीं मिलती है बराबर ना, तो उसका क्या। तो यहाँ पे गारंटीड स्कीम प्रोवाइड करने का मेन इरादा ये है कि जिसको जॉब नहीं मिल रही है उनको भी कुछ टाइम के लिए सैलरी मिले, तब तक वो अपने दूसरा काम का इंतज़ाम करें राइट। तो इसके लिए ये जो सुवर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को रिप्लेस किया गया नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन से 2013 के अंदर में राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि फर्स्ट डिसबर्समेंट अंडर द पीएलआई स्कीम, अभी ये न्यूज़ क्या है उसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली द फर्स्ट एवर डिसबर्समेंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द इम्पावर्ड कमिटी इन द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अंडर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी देखो ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है, पीएलआई स्कीम, तो पीएलआई स्कीम के अंदर फ्रेंड्स 14 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है, 14 सेक्टर्स, इसका नाम क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। अब ये जो 14 सेक्टर्स जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंडर में इंक्लूड किए गए हैं, ये 14 सेक्टर्स ऐसे हैं कि जो सेक्टर में हम मैक्सिमम इंपोर्ट करवाते हैं राइट, तो इसी इंपोर्ट को कम करने के लिए, उसी प्रोडक्ट को हम डोमेस्टिकली ज़्यादा प्रोड्यूस करें, इसके लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा प्रोडक्शन करने पे इंसेंटिव प्रोवाइड करने की बात चलती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे ये 14 सेक्टर्स के अंदर आपको इंसेंटिव इतना ज़्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, 1% to 20% बिट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बराबर ना, 1% to 20% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट बराबर ना। कि पीएलआई स्कीम जो 14 सेक्टर्स के लिए इम्प्लीकेबल है उसमें से एक सेक्टर है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपको पता ही है कि हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हम नॉर्मली ज़्यादा ही इंपोर्ट करवाते हैं, तो इसी एक सेक्टर में एक सब डिपार्टमेंट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, और उसमें अभी ये पीएलआई स्कीम के अंडर में पहला डिस्बर्समेंट दिया गया, पहला इंसेंटिव दिया गया किसको, पेजेट इलेक्ट्रॉनिक। पेजेट इलेक्ट्रॉनिक इज अ फर्स्ट बेनिफिशियरी बराबर ना, जिसको पीएलआई स्कीम के अंडर में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये इंसेंटिव दिया गया, और कौन सा सेक्टर के अंदर, लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंडर में राइट। तो आपको इस पूरे न्यूज़ के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स बराबर ना।
पीएलआई स्कीम 14 सेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है जो ज़्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड है। तो वहाँ पे प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा इंप्रूव हो इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स को यहाँ पे इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है। टोटल 14 सेक्टर्स के अंदर ये स्कीम एप्लीकेबल है, उसमें से एक सेक्टर है लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बराबरना, हाँ, और उसमें से सब डिपार्टमेंट है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बराबरना। तो उसमें पहली बार पीएलआई स्कीम के अंदर में इंसेंटिव दिया गया। ओके, अब ये जो पीएलआई स्कीम फॉर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वो इंडिया के अंदर कौन इंप्लीमेंट करवाता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इंडिया के अंदर पीएलआई स्कीम को इंप्लीमेंट करवाता है। कौन से सेक्टर के लिए? लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, बराबर ना। ओके, द पीएलआई स्कीम ऑन द लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विच इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल फोन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स वॉज अप्रूव्ड इन मार्च 2020 विद अ टोटल आउटले ऑफ द 38,645 करोड़। तो देखो कि ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ये जो पीएलआई स्कीम एप्लीकेबल हुई है उसके लिए बजट के अंदर कितना पैसा अलोकेट किया गया है? 38,000 करोड़, बराबर ना। तो ये लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर एक्चुअली दो सब कंपोनेंट है, एक तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है और एक तो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। तो इसमें यहाँ पे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर। अब ये न्यूज़ क्या कह रही है उसके बारे में देखते हैं कि रिसेंटली जर्मनी ने भी लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लीट ऑफ द फुल्ली हाइड्रोजन पावर ट्रेन। दीज आर एमिशन फ्री ट्रेन्स दैट कैन बी रीच द स्पीड ऑफ 140 किलोमीटर्स पर आवर एंड कैन रन अबाउट 1,000 किलोमीटर बिफोर द टैंक रन्स ड्राई। अगर हमने इस ट्रेन की पूरी टैंक को फुल्ली फिलअप कर लिया तो ये ट्रेन 1,000 किलोमीटर तक चल सकती है। उसके अलावा उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है? 140 किलोमीटर पर आवर। और ऐसी वर्ल्ड की पहली फ्लीट ऑफ द फुल्ली हाइड्रोजन पावर ट्रेन यहाँ पे जर्मनी के द्वारा डेवलप की गई है, राइट। अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करूँ, मैंने आपको पहले भी कुछ वीक्स पहले जब इंडिया के द्वारा पहली बार हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर रन होने वाली बस को लॉन्च किया गया था, तब हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में आपको बताया गया था कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, बराबर ना। यहाँ पे एक्चुअली एज अ फ्यूल क्या यूज़ होता है? हाइड्रोजन। अभी ये हाइड्रोजन हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो हाइड्रोजन हम नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं पानी को स्प्लिट करके। अगर हम पानी को स्प्लिट करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, राइट, तो यहाँ पे पानी को स्प्लिट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम ये इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करें तो ये जो हमको हाइड्रोजन मिला ना स्प्लिट करने के बाद, तो इस हाइड्रोजन को हम बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, राइट। इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर जो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हुआ है वो ग्रीन हाइड्रोजन है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया गया है, राइट। इसके लिए उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोला जाता है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या है? एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, सिंपल, बराबर ना। अगर मैं उसके इश्यूज़ की बात करूँ तो ये कॉस्टली होता है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फ्यूल, बराबर ना। हाँ, उसका स्टोरेज के लिए भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन चाहिए कि स्टोरेज ऑफ एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द हाइड्रोजन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन द रिक्वायर्ड फॉर द फॉसिल फ्यूल्स, बराबर ना। जो फॉसिल फ्यूल्स अभी जो हम यूज़ करते हैं उसके कंपेयर में हाइड्रोजन को स्टोरेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बराबर ना। ओके, फिर हाइड्रोजन के एक्सट्रैक्शन की बात करूँ कि डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन, सो नीड्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वाटर वाया इलेक्ट्रोलाइसिस और सेपरेट फ्रॉम द कार्बन फॉसिल फ्यूल्स, बराबर ना। तो हाइड्रोजन को दो तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये तो या तो वाटर से या तो फिर कार्बन फॉसिल फ्यूल में से, बराबर ना। तो लेकिन वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होता, उसको हमको उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, राइट। अगर मैं इंडियन सीनरियों से बात करूं तो इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए, जो इंडियन बजट 2021-22 के अंदर अनाउंस किया गया था, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन। ये एक मिशन अनाउंस किया गया इंडिया के द्वारा, बराबर ना। ओके,
ओके हमारी नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स, नीति आयोग लाइक बॉडीज इन द स्टेट्स, बराबर ना, कि स्टेट्स के अंदर भी अभी नीति आयोग जैसी एक संस्था बनाई जाएगी। देखो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको पता ही होगा कि फ्रेंड्स नीति आयोग जब नहीं था, नीति आयोग पता है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग 2015 के अंदर उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, बराबर ना। उसके पहले देश के अंदर सेम उसकी जैसा काम कौन करता था, प्लानिंग कमीशन, बराबर ना। तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके सेंट्रल लेवल के ऊपर नीति आयोग बनाया गया, राइट। लेकिन स्टेट्स के अंदर तो अभी भी प्लानिंग कमीशन ही चल रहा है। तो यहाँ पे नीति आयोग ऐसा बोलता है कि भाई हम स्टेट्स के अंदर भी नीति आयोग जैसी ही बॉडी बनाएंगे जो स्टेट गवर्नमेंट की एफिशिएंसी और बढ़ाएगा, राइट। तो इसके लिए ये रिसेंट न्यूज़ के अंदर है, राइट। कि अभी रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग विल असिस्ट ईच स्टेट टू सेटअप अ सिमिलर बॉडीज, बराबर ना, रिप्लेसिंग देयर प्लानिंग बोर्ड्स फॉर फास्टर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ अलोंग विद द विजन ऑफ द बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन बाई 2047। हमने एक विज़न बनाया है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कि हमको आज़ादी के 100 साल के बाद, मतलब 2047 तक हमको डेवलप नेशन बनना है। इसके लिए हमारा हर एक राज्य इफेक्टिवली काम करता होना चाहिए। तो इसके लिए हर एक राज्य में जो अभी प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेट चल रहा है, उसकी जगह हम नीति आयोग जैसी संस्था बनाएंगे जो और अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाएगा हर एक पॉलिसी को, राइट। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि भाई नीति आयोग का काम क्या है, नीति आयोग क्या काम करता है, कि जो हम स्टेट गवर्नमेंट को वो बोल रहा है कि भाई प्लानिंग कमीशन की जगह आपको नीति आयोग जैसी बॉडी होनी चाहिए कि जो आपकी एफिशिएंसी को और बढ़ाएगा। तो इसके लिए हमको पहले नीति आयोग क्या काम करता है उसके बारे में पता होना चाहिए। नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ कि नीति आयोग इज़ अ एपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो सबसे बड़ी पॉलिसी थिंक टैंक है। इट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑन द 1 जनवरी 2015 विद द इम्फेसिस ऑन बॉटम अप अप्रोच टू इनविसेज द विजन ऑफ द मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट इंजॉइंग द स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरिज्म, राइट। तो नीति आयोग के दो एक प्रिंसिपल है कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, राइट, और उसके अलावा कोऑपरेटिव फेडरिज्म, सबको साथ में लेके चलना है, बराबर ना। उसके दो हब हैं, एक तो टीम इंडिया हब जो एक इंटरफेस की तरीका तरीके से काम करता है बिटवीन द स्टेट्स एंड द सेंटर, और एक है नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो एक थिंक टैंक की तरीके से काम करती है नीति आयोग के लिए। तो उसके दो मेन हब्स हैं। ओके, इस इमेज के थ्रू आप नीति आयोग के काम को अच्छे से समझ सकते हैं कि वो क्या काम करता है। तो नीति आयोग इज़ बेस्ड ऑन द 7 पिलर्स ऑफ द इफेक्टिव गवर्नेंस, वो 7 पिलर के ऊपर वो बेस्ड है। सबसे पहला पिलर है प्रो पीपल, पीपल के ऊपर फोकस करता होगा, फुलफिल्स द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एज वेल एज द इंडिविजुअल्स, बराबर ना। तो उसका एक काम है कि जो पीपल के ऊपर सेंट्रिक पॉलिसी बनाना। प्रो एक्टिविटी इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू द सिटीजन नीड्स, बराबर, जो सिटीजन जो डिमांड करते हैं तो उनके डिमांड को रिस्पॉन्स करते हुए पॉलिसी को फ्रेम करना, तो प्रो एक्टिविटी। पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सिटीजनरी, उसके हर एक डिसीजन के अंदर, उसके हर एक पॉलिसी के अंदर जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है तो उसके लिए वो सिटीजन को मैक्सिमम पार्टिसिपेट करता होना चाहिए, राइट। वुमेन, हाँ, फिर इम्पावरिंग वुमेन इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर एक जगह पे वुमेन का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा उसकी पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। इंक्लूजन ऑफ द ऑल वुमेन के अलावा SC ST OBC माइनॉरिटीज़, बराबर ना, गरीब गांव किसान सभी का इंक्लूजन होना चाहिए उसके पॉलिसी के अंदर, जो उसने जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क की है उसके अंदर सभी का कल्याण होना चाहिए, बराबर ना। फिर इक्वालिटी, बराबर ना, कि यूथ को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जितनी एक्सपीरियंस पीपल को मिलती है, राइट। और ट्रांसपेरेंसी, मेकिंग द गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिव, ये 7 मेन पिलर के ऊपर नीति आयोग काम करता है, और यही काम अभी स्टेट लेवल के ऊपर करना है उसको, क्योंकि हम 2014 तक डेवलप नेशन बन पाए, बराबर ना। नाउ व्हाट इज द एजेंडा फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, कि इनिशियली इट एम्स फॉर 8 to 10 states टू सेटअप द सच बॉडीज, बराबर, शुरुआत में 8 से 10 states के अंदर ऐसी बॉडी सेटअप की जाएगी बिफोर रीचिंग आउट टू द ऑल बाय मार्च 2023, बराबर ना, 2023 तक, मार्च 2023 तक सभी जगह पे ये बॉडी बनाई जाएगी, बराबर ना। 4 state कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड आसाम हैव ऑलरेडी बिगन द वर्क इन दिस रिगार्ड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात विल लाइकली बिगिन द वर्क सून, मतलब टोटल 8 state के अंदर शुरुआत में ये बॉडी बनाई जाएगी, बराबर ना। ओके,
अब स्टेट लेवल के ऊपर बराबर ना वो नीति आयोग जैसी बॉडी क्या काम करेगी, तो गाइड करेगी स्टेट्स इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड सजेस्टिंग बेटर टेक्नोलॉजी और मॉडल्स फॉर द डिलीवरी ऑफ द स्कीम्स बराबर। तो ये तीन काम के लिए यहाँ पर नीति आयोग को, नीति आयोग जैसी बॉडी को स्टेट लेवल के ऊपर बनाया जाएगा, राइट। हमारे नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि इंडिया टू होस्ट G20 समिट एंड 2023 बराबर ना। तो इंडिया होस्ट करने वाली है G20 समिट को 2023 के अंदर बराबर ना। तो अभी रिसेंट न्यूज के अंदर क्यों आया उसके बारे में देखते हैं। कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अनाउंस डेट कि इंडिया इज होस्टिंग द G20 ग्रुप ऑफ द 20 लीडर्स समिट इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट ईयर 2023। इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाली है 2023 के अंदर, ऐसा हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर उनके द्वारा अनाउंसमेंट किया गया है। दिस 17th G20 हेड्स ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट विल हैपन इन नवंबर 2022 इन इंडोनेशिया, आफ्टर विच इंडिया विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द G20 फ्रॉम दिसंबर 2022। 2022 दिसंबर 2022 के अंदर G20 की जो मीटिंग होने वाली है वो 17th G20 मीटिंग होने वाली है जो इंडोनेशिया बाली के अंदर होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली अभी जो G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है बराबर ना। और दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट करने वाली है, राइट। इंडिया एज अ G20 प्रेसिडेंसी विल बी इन्वाइटिंग द बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई एज अ गेस्ट कंट्रीज बराबर ना। एज अ गेस्ट कंट्री वो इंडिया एज अ G20 प्रेसिडेंसी किसको इन्वाइट करने वाली है, ये कंट्रीज़ को इन्वाइट करने वाली है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा G20 के अंदर एक अलग सा कॉन्सेप्ट होता है। एक्चुअली G20 के अंदर दो कॉन्सेप्ट होते हैं जो बाकी ग्रुप में नहीं होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है त्रोईका। G20 के अंदर त्रोईका मीटिंग्स होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर लूँ कि 2021, 2022 और 2023 ये 3 साल है। अभी 2022 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडोनेशिया के पास। 2021 की प्रेसिडेंसी थी इटली के पास और 2023 की प्रेसिडेंसी आएगी इंडिया के पास। तो G20 के अंदर त्रोईका मीटिंग्स होती है जहाँ पे 3 कंट्रीज़ के द्वारा ये मीटिंग होती है। नहीं, कौन सी 3 कंट्रीज़ इस मीटिंग के अंदर बैठ सकते हैं कि जिसके पास अभी प्रेसिडेंसी है 2022, जिसके पास पहले प्रेसिडेंसी थी मतलब अगले साल 2021, और जिसके पास नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी आने वाली है, ये 3 कंट्रीज़ साथ में मिलकर त्रोईका मीटिंग्स करते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट है त्रोईका मीटिंग्स, कौन किसका है, G20 का। ओके अभी 2022 के अंदर फॉर एग्जाम्पल इंडोनेशिया, 2023 के अंदर इंडिया रहेगी और 2024 के अंदर कौन रहेगा G20 का प्रेसिडेंसी, किसके पास रहेगी, ब्राज़ील के पास। तो नेक्स्ट ईयर जो त्रोईका मीटिंग्स होगी ना उसमें कौन कौन बैठेगा, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील बैठेगी, उस तरीके से होता है। ओके इंडिया के पास जब ये जो प्रेसिडेंसी रहेगी G20 की, तब इंडिया का मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा, तो ये कुछ पॉइंट्स है उसके ऊपर कि इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के ऊपर, लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के ऊपर, वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक इनेबल डेवलपमेंट इन द एरियाज रेंजिंग फ्रॉम द हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन टू कॉमर्स के अंदर, राइट, स्किल मैपिंग, कल्चर एंड टूरिज्म, क्लाइमेट फाइनेंसिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलियंस के ऊपर, और डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, फाइट अगेंस्ट द इकोनॉमिक क्राइम एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स। ये कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया का रहने वाला है। ओके अगर मैं G20 की अगर मैं बात करूँ तो G20 एक्चुअली 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है जो 1999 के अंदर इसको बनाया गया था बराबर ना। एंड उसके मेंबर्स कौन कौन से, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चंस आए गए हैं कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मेक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन बराबर ना। कि इसमें से कौन से G20 का मेंबर नहीं है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड्स बराबर ना, राइट। और स्पेन इज़ इनवाइटेड एज अ परमानेंट गेस्ट बराबर ना। अगर स्पेन को G20 का हर एक मीटिंग के अंदर एज अ परमानेंट गेस्ट के तरीके से उसको इन्वाइट किया जाता है बराबर ना। ओके जैसा मैंने आपको बताया था कि G20 के अंदर दो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, दो, एक तो त्रोईका मीटिंग्स और दूसरा होता है शेरपा, राइट। तो जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक ग्रुप की ब्रिक्स की बराबर ना, आपको इसमें पता होगा कि भाई कौन कौन से मेंबर कंट्रीज है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका।
तो ये ब्रिक्स के है ना वो सेक्रेटरिएट होता है, सेक्रेटरिएट होता है बराबर ना। और ये सेक्रेटरिएट के अंदर, ये सेक्रेटरिएट वो हर एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है अपनी मेंबर स्टेट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स की अभी प्रेसिडेंसी चाइना के पास है, तो उसके हर एक मीटिंग चाइना के अंदर होगी, राइट। तो ये मीटिंग्स के जो फाइंडिंग्स है, उसके अलावा पूरे साल के अंदर जो ये मीटिंग्स के अंदर जो इंडिया के द्वारा रिप्रेजेंट करेगा वो कौन होता है, सेक्रेटरिएट। लेकिन G20 के अंदर क्या होता है, शेरपा होता है। ये शेरपा क्या करता है कि वो फॉर एग्जांपल कोई एक डिसीजन आया बराबर ना कि हमको ये इस साल ये करना है, तो वो इम्प्लीमेंट करवाने का काम कौन करता है, शेरपा करता है। और G20 के लिए शेरपा अभी नए बनाए गए हैं, हमारी जो प्रेसिडेंसी आएगी दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक, तब इंडिया की तरफ से G20 के शेरपा कौन बनेंगे, तो अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पहले CEO थे, अभी तक थे पीयूष गोयल बराबर ना, लेकिन अभी कौन बनेंगे G20 के शेरपा, अमिताभ कांत। ओके ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, अभी ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 बराबर ना, कि इंडियाज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज़ स्लिप फ्रॉम 130 इन 2020 टू 132 इन 2022 बराबर ना, इन लाइन विद द ग्लोबल फॉल इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर्स इन द वेक ऑफ द कोविड पेंडेमिक बराबर ना। सबसे पहले तो रिसेंट जो इंडिया का रैंक है वो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अंदर इंडिया का रैंक क्या था, 130। अभी उसका रैंक क्या कितना है, 132, थोड़ा सा पीछे गया है बराबर ना। ओके अभी क्यों क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है उसके बारे में देखते हैं कि व्हाट आर द की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो सबसे पहले अगर बात करूँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, सबसे पहला फैक्टर है ड्रॉप इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बराबर ना, कि लार्ज कंट्रीब्यूटर टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिसेंट डिक्लाइन इज़ अ ग्लोबल ड्रॉप इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी विच इज डाउन फ्रॉम द 72.8 ईयर्स इन 2019 टू 71.4 ईयर्स इन 2021। देखो फ्रेंड्स, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो डाउन हो गई है। जो सबसे बड़ा फैक्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, सभी जो कंट्रीज़ है मेंबर कंट्रीज़, उसका पुअर परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है ड्रॉप इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो 2019 के अंदर 72.8 ईयर्स थी, अभी 71.4 ईयर्स हो गई है। अगर मैं टॉप परफॉर्मर की बात करूं तो यूरोपियन स्टेट्स वेर अमंग द बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस विद एज मेनी एज 8 इन द टॉप 10 ऑफ द लिस्ट। टॉप 10 में 8 तो यूरोपियन कंट्रीज है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, और सबसे फर्स्ट नंबर पर है स्विट्जरलैंड, सेकेंड नंबर पर नॉर्वे, थर्ड नंबर पर आयरलैंड, फोर्थ नंबर पर डेनमार्क, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी एंड नीदरलैंड, राइट। टॉप 10 में से 8 तो यूरोपियन कंट्रीज है, राइट। अगर मैं एशियन रीजन की बात करूँ, इट इज 73 एंड विथ द इंडेक्स वैल्यू ऑफ द 0.72, श्रीलंका इमर्ज एज अ बेस्ट परफॉर्मर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बराबर ना। अगर मैं एशियन रीजन की बात करूँ, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 2021 का भी ये डेटा चला है, 2021-22 मतलब जो श्रीलंका के अंदर जो अभी क्राइसिस चल रहा है उसके पहले की बात है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर एशियन रीजन के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है श्रीलंका के द्वारा, जिसका रैंक है 73, राइट। एंड द आइलैंड नेशन वॉज फॉर्म फॉलोड बाई द चाइना, उसके बाद सेकेंड नंबर पर चाइना, थर्ड नंबर पर भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल एंड पाकिस्तान। इंडिया नेपाल का, इंडिया का 130 है, नेपाल का 143 है बराबर ना, पाकिस्तान का 161 है। अगर मैं ह्यूमन इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो इंडिया का रैंक क्यों इतना पीछे है, तो इंडिया के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इन 2021, इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ वॉज रिकॉर्डेड एज अ 67.2 ईयर्स बराबर ना, ये बहुत कम हो गई है। स्कूलिंग जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और ग्रॉस नेशनल इनकम, ये तीन फैक्टर को कंसिडर किया जाता है बराबर ना। तो एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग एट 11.9 ईयर्स, मीन ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग एट 6.7 ईयर्स बराबर ना। जो मीन ईयर्स है बराबर ना स्कूलिंग के 6.7 ईयर्स हैं, और एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने हैं, 11.9 ईयर्स, राइट। ग्रॉस नेशनल इनकम की बात करूँ तो इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा 6,590 US डॉलर है, और ग्रॉस इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक आया है 122nd, राइट। जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है इसमें इंडिया का रैंक पीछे है, वो भी एक वजह है कि
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक पीछे है, राइट? क्योंकि इनइक्वालिटी के अंदर इंडिया बहुत ही पीछे है। उसने ऑलमोस्ट कुछ भी काम नहीं किया ऐसा भी बोला जाता है, राइट? राइट, तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो टोटल ओवरऑल इंडेक्स निकलता है ना, उसमें ये चार फैक्टर है ना, बहुत ही मेन फैक्टर्स हैं, राइट? कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जहाँ पे इंडिया के द्वारा पुअर परफॉर्मेंस हुआ है, स्कूलिंग के अंदर हमने थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है एजुकेशन के अंदर, ग्रॉस नेशन इनकम भी हम बहुत पीछे है बराबर ना, और ग्रॉस इनइक्वालिटी इंडेक्स बराबर ना, उसमें भी हमारा रैंक 122 है। अगर मैं जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करूँ, तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है? डिस्परिटीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बाय द जेंडर बराबर ना। कि फॉर इंडिया तो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू फॉर 2021 इज 0.490। तो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मैट्रिक वेयर वुमेन सीम टू लैग बिहाइंड मैन द मोस्ट इज द इनकम पर कैपिटा बराबर ना। कि इस जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक क्यों पीछे है, इनइक्वालिटी के अंदर इंडिया का रैंक क्यों पीछे है? क्योंकि ये जो जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है बराबर ना, कि जहाँ पे मेन फैक्टर कंसिडर किया जाता है कि जो पर कैपिटा इनकम ऑफ द वुमेन और पर कैपिटा इनकम ऑफ द मैन, जो 2017 की अगर मैं बात करूँ बराबर ना, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ द वुमेन बराबर इंडिया के अंदर 2277 बराबर ना है, और मेन की कितनी है, 10,600 के आसपास है बराबर ना। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर इंडिया को पीछे ले जा रहा है, और इसी की वजह से बराबर ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर भी इंडिया का रैंक पीछे हो रहा है बराबर ना। तो आई थिंक फ्रेंड्स, आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।